मैं एचआईवी एड्स स्पेशलिस्ट डॉक्टर केतन रानपरिया पिछले 17 सालों में 12,000 से भी अधिक पेशेंट का कंसल्टेशन कर चुका हूं। ये चैनल एचआईवी के एक्सपर्ट डॉक्टर द्वारा संचालित है और यहां पर जानकारी विज्ञान के आधार पर दी जाती है। लेकिन याद रखिए, समय के साथ विज्ञान बदल सकता है। यहां पर कई बातें एक आम जानकारी के लिए है। कभी भी किसी भी किस्म की जानकारी को अपने जीवन में लागू करने से पहले एचआईवी एड्स स्पेशलिस्ट डॉक्टर से व्यक्तिगत रूप से राय लेना अत्यंत आवश्यक है। हमारा मिशन है एचआईवी पॉजिटिव को स्वस्थ और संपूर्ण जीवन देना, और हमारा विजन है श्रेष्ठ इलाज के साथ एचआईवी के बारे में पर्याप्त समझ देना। याद रखें, आज के समय में 2024 में दुनिया में किसी भी देश में कोई भी डॉक्टर या कोई भी इंसान आपको एचआईवी फ्री नहीं कर सकता, आपका एचआईवी नहीं मिटा सकता। ऑनलाइन, इन क्लिनिक, न्यूज पेपर या तो किसी भी माध्यम से एचआईवी की कोई ऐसी जाहिरात या तो एडवर्टाइजमेंट करता है कि हम आपका एचआईवी मिटा देंगे, तो याद रखिए वह एक झूठ है, फ्रॉड है या धोखा है। आज के समय में वह चाहे कोई भी माध्यम हो, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, हर्बल मेडिसिन, जिन थेरापी, एलोपैथी या कोई भी साइंस, किसी भी तरह से एचआईवी नहीं मिटा सकता। इसलिए एचआईवी मिटाने के चक्कर में आप अपना स्वास्थ्य, समय और संपत्ति तीनों का नुकसान कर सकते हैं। इसीलिए एचआईवी को मिटाने की लालच में ना आए और किसी भी किस्म के फ्रॉड और स्कैम के शिकार न बने। हमारी एचआईवी एफएक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। भाग एक में हमने बहुत सारी बातें कवर की हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। आइए अगले कुछ प्रश्नों पर गौर करें और उन गलत धारणाओं को तोड़ना जारी रखें और ज्ञान के साथ खुद को सशक्त बनाएं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो आपको एचआईवी के बारे में नई और सच्ची जानकारी दे सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं। 2 महीने में एक बार एचआईवी इंजेक्शन का इलाज क्या है? यह एचआईवी उपचार का एक नया रूप है जिसमें 2 महीने में केवल एक बार लंबे समय तक काम करने वाले इंजेक्शन दिया जाता है। इसमें 2 दवाएं शामिल हैं। ये इंजेक्शन दैनिक गोलियां लेने से आजादी देते हैं, जिससे कुछ लोगों के लिए अपना उपचार करना आसान हो जाता है। यह उपचार केवल तभी उपयुक्त है यदि आपका वायरल लोड आपकी वर्तमान दवाई पर पहले से ही ज्यादा नहीं है। ये देखने के लिए कि क्या ये इंजेक्शन उपचार आपके लिए सही है, अपने डॉक्टर से बात करना महत्वपूर्ण है। फिलहाल 2024 में यह भारत में उपलब्ध नहीं है, भविष्य में यह भारत में भी आ सकता है। भारत में निजी डॉक्टर से एचआईवी इलाज करवाने का मासिक खर्च कितना है? भारत में एक निजी डॉक्टर के पास एचआईवी उपचार का मासिक खर्च बहुत भिन्न हो सकता है। निर्धारित विशिष्ट दवाएं, स्थान, डॉक्टर की फीस और अतिरिक्त परीक्षण या उपचार की आवश्यकता जैसे कारण लागत को प्रभावित करेंगे। हम 4 अलग-अलग विकल्पों के साथ उपचार प्रदान करते हैं। ₹1,000 प्रति माह, ₹1,500 प्रति माह, ₹2,000 प्रति माह और ₹2,500 प्रति माह। निःशुल्क एचआईवी उपचार भारत में कहां पर कर सकते हैं? ये भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि भारत में सरकारी अस्पताल मुफ्त में एचआईवी उपचार प्रदान कर सकते हैं। यदि आप हमारी निजी सेवा पर प्रति माह ₹1,000 भी खर्च करने में सक्षम नहीं है, तो इन विकल्पों को तलाशने से आपके मासिक खर्च में काफी कमी आ सकती है। अच्छी खबर यह है कि भारत सरकार नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम NACP के माध्यम से मुफ्त एचआईवी दवाई प्रदान करता है। ये कार्यक्रम आपको क्या प्रदान करता है? निःशुल्क एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी दवाई। यह एचआईवी के लिए मुख्य दवाई है जो वायरस को बढ़ने से रोकने हैं और आपको स्वस्थ जीवन जीने की अनुमति देती है। परामर्श और समर्थन। NACP आपके इलाज के दौरान भावनात्मक समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान करता है। परीक्षण सेवाएं। नियमित परीक्षण से आप अपने वायरल लोड और समग्र स्वास्थ्य की निगरानी कर सकते हैं। इन निःशुल्क सेवाओं तक पहुंचने का तरीका इस प्रकार है। सरकारी जिला अस्पताल या एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी ART सेवाएं प्रदान करने वाले सरकारी मेडिकल कॉलेज में जाएं। याद रखें, आपको भारत में मुफ्त एचआईवी उपचार प्राप्त करने का अधिकार है। आपको जिस सहायता की आवश्यकता है उसे मांगने में संकोच न करें। क्या एचआईवी पॉजिटिव लोग अपनी सेक्सुअल लाइफ जी सकते हैं? हाँ, आधुनिक एचआईवी दवाई के साथ एचआईवी से पीड़ित लोग अनडिटेक्टेबल वायरल लोड प्राप्त कर सकते हैं। इसका मतलब है कि वायरस को उस हद तक दबा दिया गया है जहां ये बिना कॉन्डोम सेक्स से नहीं फैल सकता है। यह अनडिटेक्टेबल का मतलब अनट्रांसमिटेबल U=U के बराबर है। बेशक कॉन्डोम सेक्स से फैलने वाली अन्य बीमारी को रोक सकता है। क्या एचआईवी पॉजिटिव लोग बिना कॉन्डोम के सेक्स कर सकते हैं? जवाब आपको चकित कर सकता है।
प्रभावी एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी के कारण लगातार अनडिटेक्टेबल वायरल लोड वाले लोगों के लिए एचआईवी फैलाने का जोखिम प्रभावी रूप से शून्य है। ये यूएस इक्वल टू यू अभियान का संदेश है। हालांकि यह महत्वपूर्ण है कि आप हमेशा अपने साथी के साथ इस पर चर्चा करें और यह सुनिश्चित करने के लिए नियमित परीक्षण करवाएं कि आपका वायरल लोड अनडिटेक्टेबल बना रहे। अतिरिक्त सुरक्षा और अन्य यौन संचारित रोगों को रोकने के लिए कॉन्डोम अभी भी महत्वपूर्ण है। एचआईवी पॉजिटिव लोगों के संबंध में यूएस इक्वल टू यू क्या है? यूएस इक्वल टू यू का मतलब अनडिटेक्टेबल बराबर अनट्रांसमिटेबल है। इसका मतलब यह है कि प्रभावी एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी लेने वाला एक एचआईवी पॉजिटिव व्यक्ति जो एक अनडिटेक्टेबल वायरल लोड बनाए रखता है एचआईवी को अपने सहयोगियों तक नहीं फैला सकता है। यह एक गेम चेंजर है। वर्षों के वैज्ञानिक अध्ययनों ने ये साबित कर दिया है जिससे एचआईवी से पीड़ित लोगों को एचआईवी फैलाने के डर के बिना पूर्ण यौन गतिविधियां करने की आजादी मिलती है। मैं एचआईवी पॉजिटिव हूं, क्या मैं शादी कर सकती हूं? बिल्कुल, एचआईवी पॉजिटिव होना आपको शादी करने से नहीं रोकता है। प्रभावी उपचार के साथ एचआईवी से पीड़ित लोग लंबे समय तक स्वस्थ जीवन और प्रेमपूर्ण रिश्ते पा सकते हैं। अपने साथी के साथ अपनी स्थिति के बारे में खुलकर बात करना और उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा के तरीकों पर चर्चा करना महत्वपूर्ण है। मैं एचआईवी पॉजिटिव हूं, क्या मैं बच्चा कर सकती हूं? बिल्कुल, एचआईवी पॉजिटिव होने का मतलब यह नहीं है कि आप स्वस्थ बच्चा नहीं पा सकते। उचित देखभाल और दवाई से आप अपने बच्चे को एचआईवी होने के जोखिम को काफी हद तक कम कर सकते हैं। एचआईवी स्पेशलिस्ट और अपने प्रसूति विशेषज्ञ से परामर्श करना महत्वपूर्ण है। वे सुरक्षित गर्भधारण के विकल्पों, आपके स्वास्थ्य को सुधार करने और वायरल लोड को कम करने के लिए दवाओं और स्वस्थ गर्भावस्था और जन्म सुनिश्चित करने में मदद करेंगे। एक एचआईवी पॉजिटिव गर्भवती महिला के रूप में अपने बच्चे के जन्म के संबंध में मुझे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? अपने डॉक्टरों के साथ मिलकर काम करें। आपके एचआईवी स्पेशलिस्ट और प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ आपकी डिलीवरी और आपके बच्चे के स्वास्थ्य के लिए एक व्यक्तिगत योजना बनाएंगे। अपनी एचआईवी दवाई लें। गर्भावस्था के दौरान अपनी एचआईवी दवाई का पालन करना वायरस को दबाने और आपके बच्चे में संचरण के जोखिम को कम करने के लिए महत्वपूर्ण है। डिलीवरी विकल्पों पर चर्चा करें। ट्रांसमिशन जोखिम को और कम करने के लिए आपके डॉक्टर कुछ मामलों में सी सेक्शन की सिफारिश कर सकता है। डिलीवरी के बाद की देखभाल। आपके बच्चे को जन्म के बाद निवारक उपाय के रूप में थोड़े समय के लिए एचआईवी दवाई दी जाएगी। आपके बच्चे के लिए खून की जांच भी आवश्यक होगी। यदि मैं एचआईवी पॉजिटिव महिला हूं, तो स्तनपान के बारे में मुझे क्या ध्यान रखना चाहिए? सुरक्षित फॉर्मूला तक पहुंच वाले देशों में आमतौर पर यह सिफारिश की जाती है कि एचआईवी पॉजिटिव माताएं स्तन के दूध के माध्यम से संचरण के जोखिम को खत्म करने के लिए स्तनपान न कराएं। अपने डॉक्टर से बात करें। अपनी व्यक्तिगत स्थिति और आपके बच्चे के लिए सर्वोत्तम आहार विकल्पों पर चर्चा करें। वे आपके खाने, सुरक्षित विकल्प और अतिरिक्त विचारों पर मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। एचआईवी की दवाई महत्वपूर्ण है। अनडिटेक्टेड वायरल लोड को बनाए रखने के लिए निर्देशानुसार अपनी एचआईवी दवाई लेना जारी रखें। यह आपकी और आपके बच्चे की देखभाल के सभी पहलुओं में संचरण जोखिम को काफी कम कर देता है। नवजात शिशु के एचआईवी पॉजिटिव माता पिता के रूप में टीकाकरण के बारे में क्या ध्यान रखना चाहिए? अपने बच्चे के बाल रोग विशेषज्ञ से बात करें। वे आपके बच्चे की जरूरतों के अनुरूप एक टीकाकरण कार्यक्रम बनाएंगे। कुछ टीकाकरणों में उनके एचआईवी जोखिम के आधार पर थोड़े समायोजन की आवश्यकता हो सकती है। अधिकांश नियमित टीकाकरण आपके बच्चे के स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित और महत्वपूर्ण है। अपने बच्चे के डॉक्टर को अपनी एचआईवी स्थिति के बारे में सूचित करें ताकि वे आपके बच्चे को सर्वोत्तम देखभाल प्रदान कर सकें। एचआईवी एआरटी एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी दवाई की साइड इफेक्ट क्या है? एचआईवी की एआरटी दवाएं अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हैं, लेकिन वे साइड इफेक्ट पैदा कर सकती हैं। कुछ सामान्य लोगों में उल्टी, थकान, सिरदर्द और नींद में बदलाव शामिल हैं। ये साइड इफेक्ट अक्सर समय के साथ कम हो जाते हैं। विशिष्ट दवाई के आधार पर अधिक गंभीर साइड इफेक्ट संभव हैं। इसीलिए संभावित साइड इफेक्ट और उन्हें रोकने के तरीके के बारे में अपने डॉक्टर से बात करना महत्वपूर्ण है। अपने डॉक्टर से परामर्श किए बिना कभी भी अपनी दवाई बंद न करें, क्योंकि इसके खतरनाक परिणाम हो सकते हैं। एचआईवी एआरटी उपचार के दौरान लैबोरेटरी टेस्ट का उपयोग कब और क्यों किया जाता है? वायरल लोड, यह आपके रक्त में एचआईवी की मात्रा को मापने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। ये जांचता है कि आपकी दवाई कितनी अच्छी तरह काम कर रही है।
आपको पहले 6 महीने के उपचार के बाद फिर हर 12 महीने में जब आपके वायरल लोड स्तर का स्तर कम न हो जाए तब तक किया जाएगा। CD4 काउंट, यह आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति को मापता है। जब तक ये 400 से 1500 तक सामान्य न हो जाए तब तक आप इसे नियमित रूप से जांच कराते रहेंगे, उसके बाद इस परीक्षण को करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अन्य परीक्षण, एक HIV स्पेशलिस्ट डॉक्टर आपकी किडनी, लीवर, सुगर और कोलेस्ट्रॉल की निगरानी के लिए परीक्षण करवा सकते हैं, क्योंकि कुछ HIV दवाएं इन पर प्रभाव डाल सकती हैं। अन्य दवाओं के साथ HIV की दवाई ली जा सकती है या नहीं, ये कैसे पता करें? अपने डॉक्टर को बताएं, हमेशा उन्हें आपके द्वारा ली जाने वाली सभी दवाओं की पूरी सूची दें, जिसमें नुस्खे, ज्यादा मात्रा में दवाएं और विटामिन शामिल है। ऑनलाइन संसाधन, लिवरपूल HIV ड्रग इंटरेक्शन चेकर, www.hivdruginteractions.org जैसी वेबसाइटें शानदार उपकरण हैं। वे आपको आपकी HIV दवाओं और अन्य दवाओं साथ ले सकते हैं या नहीं इसकी जांच करने देते हैं। HIV और हेपेटाइटिस बी संक्रमण का उपचार क्या है? HIV और हेपेटाइटिस बी सह संक्रमण के इलाज के लिए एक विशेष दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। शुक्र है, HIV के लिए उपयोग की जाने वाली कई एंटीरिट्रोवायरल दवाएं हेपेटाइटिस बी के खिलाफ भी काम करती हैं, जिससे दोनों के लिए प्रभावी उपचार मिलता है। इसका मतलब है कि आपको प्रत्येक वायरस के लिए अलग अलग गोलियों की आवश्यकता नहीं है। सही दवाई चुनना महत्वपूर्ण है, इसलिए हमेशा अपने डॉक्टर से परामर्श लें। वे दोनों वायरस की निगरानी करेंगे और आपकी उपचार योजना तैयार करेंगे। सावधानी पूर्वक वायरस को बढ़ने से रोकने के साथ HIV और हेपेटाइटिस बी के साथ स्वस्थ जीवन जीना बिल्कुल संभव है। वाह, ये सवालों का एक और महत्वपूर्ण सेट है जिसका उत्तर दिया गया है। हम HIV के बारे में आपकी सभी ज्वलंत चिंताओं को कवर करने के करीब पहुंच रहे हैं। अंतिम भाग को न चूके भाग 3, जहां हम इस FAQ सीरीज को समाप्त करेंगे। तो वहां मिलते हैं। HIV एड्स स्पेशलिस्ट डॉक्टर केतन रानपरिया से HIV ट्रीटमेंट, HIV काउंसलिंग, लैबोरेटरी टेस्ट, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस, प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस या HIV के इलाज के लिए ऑनलाइन बात करने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। HIV के ट्रीटमेंट के बारे में और अधिक जानकारी के लिए लेफ्ट साइड के प्लेलिस्ट पर क्लिक करें और HIV की दवाई के बारे में और अधिक जानकारी के लिए राइट साइड के प्लेलिस्ट पर क्लिक करें।